नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। गुमला में जेजेएमपी सुप्रीमो सुकर उरांव की हत्या, लेवी का पैसा और हथियार गायब। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग समापन, झारखंड के छऊ और करसा नृत्य को मिला पहला पुरस्कार। बोकारो के जेना मोड़ में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, रांची से इंटरव्यू देकर लौट रहा था घर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के नेताओं ने किया रक्तदान, उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। सिर पर टोकरी लेकर किसान बाजार का उद्घाटन करने पहुंची विधायक अंबा प्रसाद, कहा वो विधायक ही नहीं उनके घर की बेटी भी हैं। चतरा पुलिस के हत्थे चढ़े टीएसपीसी के दो नक्सली, 13 वॉकी टॉकी सेट, 2 बाइक और 1 मोबाइल जब्त। सरायकेला में एनआईटी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील को मिला यंग साइंटिस्ट अवार्ड, 25 शोध के लिए किए गए सम्मानित। पलामू में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के निर्णय के खिलाफ छात्रों में गुस्सा, विज्ञप्ति की प्रतियां फूकी। पलामू में कोविड केयर सेंटर के विभाग ने अचानक काट दी बिजली, गंभीर मरीज एमएमसीएच में रेफर। जमशेदपुर में पुलिस ने जुआरियों पर कसा सिकंजा, बर्मा माइंस से 3 धराए। जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे फाटक पर कटा महिला का पैर, लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। रांची के पुंदाग में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 80 लाख का सामान जलकर खाक। जमशेदपुर में ईयरफोन खरीदने के बहाने उचक्कों ने उड़ाया मोबाइल, वारदात सीसीटीवी में कैद। रांची में दिवाली में 2 घंटे और क्रिसमस में सिर्फ 35 मिनट फोड़ सकेंगे पटाखे, मनमानी पर होगी कार्रवाई। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स से डिस्चार्ज, तकरीबन 1 महीने से थे भर्ती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 20 दिन बाद आवागमन शुरू, मुठभेड़ के कारण बंद था राजमार्ग। उत्तराखंड के देहरादून में 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 13 की मौत, 3 गंभीर। आनंद महिंद्रा ने निभाया वादा, गोल्डन बॉय को गिफ्ट की स्पेशल कस्टमाइज एक्सयूवी 700। पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर साइबर अटैक, अफसरों का दावा पैसा और डेटा दोनों सुरक्षित। अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रनों से हराया, शहजाद ने खेली 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी। ऐसी ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।